अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो टेप को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए अरसाल करने का फैसला कर लिया गया। मामला तहकीकात के लिए एफआईए या एंटी करप्शन के हवाले किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की भेजी समरी पर वजीर आला मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा काजिम नियाज की सरबराही में इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वजीर आला को भेजी गई समरी पर मुबैना मामले की तहकीकात किसी एक इदारे से कराने का फैसला किया जाएगा। सूबाई मावन खसूसी बल्दियात और मुशीर इतलात कामरान मंगश के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी किसी काबीना रुकन के खिलाफ इंक्वायरी का मिजाज नहीं है। चीफ सेक्रेटरी की भेजी समरी पर वजीर आला मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करेंगे। इश्तिहारात में कमीशन लेने के इल्जाम में गुज़श्ता दिनों अजमल वजीर को मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया था। अब मावन खसूसी कामरान मंगश को मशीर इतलात की इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है। अजमल वजीर और इश्तिहारात की कंपनी के मालिक के दरमियान मुबैना गुफ्तगु हुई, जिसमें जीएसटी और टैक्सेस में छूट से मुतालिक बातचीत की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी थी। मुबैना ऑडियो स्कैंडल का शिकार बनने वाले अजमल वजीर का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, साजिशों ने रास्ता रोकने के लिए घटिया तरीका अपनाया। जिस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इससे मेरा ताल्लुक नहीं। इश्तिहार महकमा सेहत का था, चेयरमैन वजीर सेहत होता है। मैं कमेटी में एजाजी मेंबर था, फैसले का इख्तियार ही नहीं था।